हाँ काफी अच्छी मूवी थी, काफी सस्पेंस था, काफी थ्रिलर था। इस फिल्म तो अच्छी है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है पिक्चर का, कैसे क्या किया लास्ट तक, तो मतलब बहुत सारा इसमें डेप्थ है फिल्म में और अच्छी लगी। एक एक्सपेरिमेंट फिल्म है, नई तरीके की फिल्म है और अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, मतलब वीडियो गेम के थ्रू जो उन्होंने क्रिएट किया अच्छा लगा। एक न्यू कॉन्सेप्ट था, मतलब वो टॉलीवुड मूवी है शायद, तो उसके हिसाब से अच्छा। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं सस्पेंस बहुत अच्छा था लास्ट तक का मेंटेन किया हुआ। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि तापसी जी, मतलब जो बार बार उनका जो कैरेक्टर है वो लास्ट तक का कैसे ट्राई करते रहता है अपना लाइफ सेव करने के लिए। गुड मूवी, फिल्म अच्छी थी लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि एंड अच्छा नहीं था, एंड प्रॉपर नहीं दिखाया। बहुत ही अच्छी फिल्म, एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, नए कॉन्सेप्ट भी बनी थी, काफ़ी अच्छा लगा। अलग अलग करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी चल रही थी, तीन चार सेगमेंट में था, तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही बेहतरीन था। शी इज़ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ ब्रिलियंट नो डाउट, तापसी इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम किया उसने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और जो मेहनत की है वो दिखता भी है। अगर एक एक्टर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर आप मेहनत करती हैं तो वो दिखता है। तापसी पन्नू ने बहुत कमाल का काम किया है। तापसी पन्नू ऑलवेज शी किल्स इट विद एक्टिंग, शी इज ऑलवेज ग्रेट। उसका जो उसने मुंडी काट के ऐसे ग्लास पे स्मैश किया, दैट वाज ऑसम। तो वो उन्होंने काफी अच्छा किया, सभी एक्टर्स ने अच्छा किया है, कैरेक्टर्स का चुनाव बहुत ही अच्छा था। तापसी पन्नू की एक्टिंग तो हम अच्छी है ही, पिंक वगैरह सब देखा हुआ है, तो ये एक और ऐड हो जाता है उनके करियर में। हाँ एक्टिंग तो फुल की, बहुत अच्छी लगी, ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, पर लास्ट में जो उनका एक्टिंग था वो बहुत अच्छा लगा। टोटली लगता बांध के रखा फिल्म को उसने अपने, मतलब एक्टिंग के बूते में। प्रताप सिंह डूइंग गुड। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था, होल्ड नहीं कर पाए उनको, समझ भी नहीं आया। उन्होंने फैला तो बहुत कुछ दिया हॉलीवुड की तरह ना, क्रिएट भी अच्छा किया, वन लोकेशन पे बहुत अच्छा ड्रामा है, काफी एंड तक काफी ग्रैस्पिंग था मूवी। सेकंड हाफ बहुत थ्रिलिंग है, लेकिन सेकंड हाफ में बस जो क्लाइमेक्स है वो तो बहुत ही फिजी है, लास्ट में ही है, थ्रिलर है, बहुत अच्छा है। सेकंड हाफ एंड वाज नॉट गुड, बट अगर वो कॉन्सेप्ट में अगर और थोड़ा आगे, अगर मूवी और थोड़ी ज्यादा चलती तो एंड अगर अच्छा दिखाते, मतलब बताया क्या है कि एंड कैसा है, उसको थ्री लाइफ कैसे मिलती है, अगर एंड बताते तो फिर और अच्छा होता और अच्छा मिलता। सेकंड हाफ में जो फ्लैशबैक ही चलता रहता है, और जब क्लियर होता है तो क्यों क्या मोटिव क्या था क्या, वो क्लियर ही नहीं होता है। अगर एक तरह एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहानी कहीं नहीं छोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन जब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगता है कि नहीं ये कहानी अलग जा सकती है। अपना मेकर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो बना सकते हैं, अलग अलग लॉजिक देकर कुछ भी किया जा सकता है। थोड़ा और अच्छा करते थे और अच्छा रहता, तो और एंड भी उतना अच्छा नहीं लगा इसलिए ठीक था। सॉन्ग्स तो ऐसा कुछ खास था नहीं, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक उस पर काफ़ी मेहनत किया गया है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, और सीन्स भी काफ़ी अच्छे शूट किए गए हैं, लाइटिंग वाइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। डायरेक्शन अनुराग कश्यप, नो वन विल डाउट है। मैंने जो स्टोरी जैसा डायरेक्ट किया है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, डायरेक्शन उतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। डायरेक्शन वॉज गुड। फोर स्टार्स। चार दो फोर फोर पॉइंट फाइव फोर 2.5।